बोलिंग से पहले आपको शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि आपके जो बालों के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं वो धुल जाते हैं, और जब आप रंग खेलते हैं तो उससे आपके बाल और भी ड्राई हो जाते हैं। आपको और एक बात भी ध्यान में रखना है कि आपको होली खेलने के तुरंत बाद भी अपने बालों को शैम्पू नहीं करना है, क्योंकि आपके बाल इससे और भी ड्राई हो जाएंगे। इससे पहले आपको अपने बालों में एक हेयर मास्क अप्लाई करना है, जो तैयार होगा ऑलिव ऑयल, नींबू के कुछ ड्रॉप्स से और उसके साथ हनी मिक्स करके। इसे आपको 35 मिनट्स तक अपने बालों पे अप्लाई करना है, और इसके बाद आप अपने बालों को शैम्पू कर लें। आप देखेंगे कि आपके बालों से कलर निकल जाएगा और आपके बाल ड्राई भी नहीं होंगे। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होली के रंग से अपनी स्किन और बालों को सुरक्षित करने के लिए कुछ डूज एंड डोंट टिप्स आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी, जो बहुत ही यूजफुल होने वाला है। होली में तेल आपका बेस्ट फ्रेंड होने वाला है। अपनी त्वचा और खुले हिस्सों पर तेल लगाएं जो रंग के संपर्क में आने वाले हैं। आप कोकोनट ऑयल या आलमंड ऑयल यूज कर सकते हैं, जिससे आपकी त्वचा को रंगों से बचने में मदद मिलेगी। आप होली से एक दिन पहले अपनी फुल बॉडी में ऑयल मसाज कीजिए, जिससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहेगी और आपकी बॉडी में रंग कम से कम एब्जॉर्ब होगा। इसके अलावा भी आप अपने बालों पर सुरक्षा कवच बनाने के लिए ऑयल मसाज कर सकते हैं। होली के आफ्टर इफेक्ट्स ना केवल हमारी त्वचा, बालों और आंखों के लिए परेशानी का कारण हो सकते हैं, बल्कि ये हमारी हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकते हैं, अगर हम होली के बाद और होली के पहले कुछ चीजें ध्यान में ना रखें। अब देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना है। होली से पहले पहले हमें अपने चेहरे पर फेशियल, वैक्सिंग, थ्रेडिंग या ब्लीचिंग नहीं करवाना है, राइट? होली खेलते वक्त आपके बालों को खुला नहीं छोड़ना है। आप पोनी टेल कर सकते हैं या हेड वंदनास का यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर हेयर। अगर आप ज्यादा देर तक धूप में होली खेलते हैं तो स्किन में ऑयल मसाज करने के बाद आपको सनस्क्रीन यूज करना है, और इसे एवरी 3 to 4 hours पे रीअप्लाई करना मत भूलिएगा। अब देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। फर्स्टली, हाइड्रेशन इज द की टू कीप योर स्किन हाइड्रेटेड। रंग में जो केमिकल्स होते हैं उससे हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है, और आपके हाथों को बचाने के लिए आपको पेट्रोलियम जेली का यूज करना है, और आपके नाखूनों को बचाने के लिए आपको डबल कोटेड नेल पॉलिश लगाना है। आप फुल स्लीव कुर्तीज और टी शर्ट का यूज कर सकते हैं टू प्रोटेक्ट योर स्किन। बालों में ऑयलिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ड्राई हेयर कैन एब्सॉर्ब मोर कलर्स। अगर आपकी स्कैल्प सेंसिटिव है तो आप अपनी स्कैल्प में कुछ ड्रॉप्स लेमन के डालें, ताकि रंग से होने वाले इन्फेक्शन आपको ना हो। ऑलवेज यूज नेचुरल कलर्स, और टाइम पे क्लींसिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुनगुने गर्म पानी से अपने मुंह को धोइए, एंड यूज अ जेंटल फेस वॉश टू क्लीन योर फेस, एंड आफ्टर क्लींसिंग यूज अ मॉइस्चराइजर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने फेस को ज्यादा जोर से मत रगड़िए, क्योंकि इससे आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। अगर क्लींसिंग के बाद भी आपकी स्किन में आपको जलन होती है तो आप एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं, इससे आपको आराम मिलेगा। अगर फिर भी आपकी जलन कम नहीं होती है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाइए। टेक एन अर्ली शावर एज सून एज पॉसिबल, एंड आफ्टर शावर आपको बॉडी लोशन अप्लाई करना इज मस्ट, क्योंकि एक्सेसिव कलर्स और सनलाइट से आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। तो आशा करती हूँ कि मेरी ये टिप्स आपके लिए इस होली में यूजफुल होंगे। हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।